A special prayer of Chhari Mubarak or the holy mace of Lord Shiva, which will be taken from its abode in Srinagar to Pahalgam on 13th August, was held in Srinagar on August 3. Custodian of Chhari Mubarak, Mahant Deependra, Giri, performed a pooja of Chhari Mubarak at the Shankaracharya temple. Aaj Shravan Shukla Paksha Panchami ka din hai aur ye prasiddh muhurat hai. यात्रा में मुख्य यात्रा में प्रस्थान करने से पूर्व का ये मुख्य पूजन माना जाता है. भृंगिश ऋषि संभवतः वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाले हिमलिंग, जो कि भगवान शिव का हिमलिंग हिम रूपी स्वरूप माना जाता है, उसके दर्शन किए और फिर उस गुफा की भौगोलिक स्थिति और उस रहस्यमय बनने वाले भगवान शिव के स्वरूप की जो कथा है वो दूसरों को कही और तब से इस यात्रा का प्रचलन है. भृंगिश ऋषि ने लगभग 450 श्लोकों में इस यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है और ये बताया कि नाग पंचमी के दिन आप पूजन करके मार्ग में आने वाले इन इन पड़ावों पर इस सामग्री से पूजन करते हुए श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में भगवान शिव, जो कि हिमलिंग के रूप में विद्यमान रहते हैं, उनके दर्शन करेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न होगी और आपके जो मनोरथ हैं वो सिद्ध होंगे. अब हम जब मुख्य दर्शन के लिए पवित्र गुफा में जाएंगे तो भगवान शिव से यहाँ कश्मीर घाटी में और पूरे राज्य में और पूरे देश में अमन हो, ऐसी विशेष वहाँ पूजा अर्चना हम करेंगे. The Amarnath Yatra had commenced on July 2 and lakhs of pilgrims have paid their obeisance at the cave shrine, which houses the naturally formed ice-shivlingam.